आप सभी को मेरी नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम अवासनी है, बर्बल मैं अवासनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच क्वेश्चन कराने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन के। इसके अंदर आपका बोर्ड मास प्लस ये जो बार जो ऊपर आ जाता है, इसको लेकर जो बच्चे चिंतित हैं उसको हम डील करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। ये इसमें दो बड़ी बड़ी चीजें, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, ठीक है। जब भी देखो, 402 के ऊपर एक बड़ा सा साइन दिख रहा है आपको, ठीक है। जब भी ये दिखे ना, इसको सबसे पहले सॉल्व कर दिया करो। 2 जब भी ये दिखे, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे 16 - 10 6, अब मैं डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने बोल दिया डिनोमिनेटर कितना है, 24 / 6 + 36 / 5 आपने बोल दिया 5 प्लस, और अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं मान लो, तो आप बोलोगे 5 और -1, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ गया, तो ये 24 / 6 + 36 / 9, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 4, और 4 8, डिनोमिनेटर 8 है, तो डिनोमिनेटर 8 है पहला पॉइंट। न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में आप देखो 9 / 3 × 7, और अगर मैं यहां देखूं कि 9 + 6 × 2 तो 12 और 9 21, तो ये 21 आ गया, ठीक है। और इसके बाद प्लस में यहां पर देखो 1/5 × 25/7 माइनस, अब ये वाली ब्रैकेट अगर हम देखें 200 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 16/16, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना आ गया, अगर आप यहां पे कर रहे हो तो इसको 3 कर देते हैं, 9 और 9 1, ठीक है। 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप, लेकिन यहां पर लिख देना प्लस है ना, तो 1 लिख दो 1, और प्लस, और अगर मैं इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूं तो यहां पे 5 और 5 5/7, तो -2/7 - 2/7, तो यहां पर आ गया 5/7। तो न्यूमरेटर है 5/7 और डिनोमिनेटर है 8, तो 5/56 आंसर है पहला। कहने का मतलब ये है, जो ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी है, टाइम लगेगा, और जरूरी नहीं है वन टाइम में सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। समझाने वाला पॉइंट ये है कि ये सबसे पहले सॉल्व करके साइड में लिख दिया करो, कहीं ऐसा ना हो इसके चक्कर में आप गलत कर दो क्वेश्चन। अब अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करूं, ठीक है, लिख देते हैं पहले है क्या, ठीक है। आपने देखा ये लिखा हुआ है 25 - 16 - और फिर (14 - 18 - सबसे पहले इसको लिख दोगे 11, ठीक है। तो आपने बोला 11 हो गया, यहां पर कितना हो गया 7, 7 और 14 में से 7 चले गए 7 बज गया, 16 में से 7 चले गए 9 बज गया, यानी 25 - 9 = 16। आसान है ये, तो एक बार और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे वाले देखता हूँ, ठीक है, ये वाला देखो पहले 49, ये लेटेस्ट है, और यहां पे जैसे ही आप बोलोगे ये सबसे पहले -5, यानी कि इसको पहले सॉल्व करके लग दो, ठीक है। तो आपने बोला यहां पर आ गया 35 + 12/3 × ऑफ का मतलब इंटू, और यहां पे कितना आ गया 6 में से 5 चले गए 1, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो अब इसको हमने बोला यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पर आ गया 49 और माइनस इसको करोगे 4, तो यहाँ पे 39, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 10। और करते हैं, ठीक है, जैसे अब ये वाला आपने बोला 45 - 36 - 29 - यहाँ पर आ गया 25, और ये सबसे पहले ये एक साथ सॉल्व होगा, तो आपने बोला -7 + 4 - 3, ये एक साथ सॉल्व होगा, इस चीज का ध्यान रखना है आपने, कहीं आप सोचो कि नहीं अलग से सॉल्व करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक साथ सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो आपने बोल दिया यहाँ पर कितना आएगा -3, तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं, देखो अब जैसे ये आपने किया तो यहां पे ब्लंडर हो सकता है, क्या, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो जब ये एक साथ सॉल्व होगा, मान लो जब ये एक साथ सॉल्व होगा तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे, यही सबसे बड़ा ब्लंडर है। कैसे,
आपको एक साथ सॉल्व करना है ना, तो ब्रैकेट में लेके इसको ऐसे ले लो, यानी कि इसको 11 ले लो, समझ रहे मेरी बात, वरना गलत हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, वो ब्लंडर आपको करके दिखाया कि देखो ये ब्लंडर हो सकता है। एनीवेज यहाँ पे 14 आ गया, 14 25 में 29 में 14 गए 15, 36 में से 15 गए 21, 45 माइनस 21 24 आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोग इसको गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और ये वाला करके दिखाओ, अरे पहले वाला रहेगा तो देख लेते हैं ये, तो 3 7 21 27/7 माइनस यहां पे आ गया 36/7 माइनस यहां पे कितना आ गया 7 14 17/7 और माइनस लेके ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। माइनस लेके ब्रैकेट में डाल सकता हूं मैं, ये आपको ये समझ लेना है, यानी कि अगर मैं इसको अलग से बोलूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 26/7 और इधर मेरा आ जाएगा 26 ही आएगा ना, 7 21 26/7 और 4 7 24 -2/7, ये -2/7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बोल दिया -2/7, अब मेरा ठीक आना चाहिए आंसर, अगर मैंने कोई सिली मिस्टेक नहीं करी है, 36/7 और माइनस में अगर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 19/7, तो 36 में से 19 चले गए, ठीक है, ये ठीक करा ना मैंने, 17 और 2 17 और 2 19, 36 में से अगर 19 चले गए तो आपका आंसर कितना आएगा, 17 17, तो 27/7 -17/7 तो यहाँ पे कितना आ गया 10/7, तो आंसर ये है। पॉइंट कहां पर, गलती कहां पर होगी, यहां गलती ये होगी, ये जो ब्रैकेट है ना ये गलती होगी, क्यों करवा रहा हूं वरना मैं, आपको लगता है ये सब चीजें कराऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है यहां फंस सकते हैं बच्चे, ठीक है, ये यहां पे फंस सकते हैं बच्चे, इसलिए करवा रहा हूं वरना नहीं करवाता मैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, अब आप इस टाइप के क्वेश्चन फेल दोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, और अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेहनत करो लाइफ में, अपने बारे में सबसे ज्यादा अगर आपको सोचना है तो उसका वही तरीका है कि आप अपने स्किल्स पे काम करिए, ठीक है। दुनिया आपको बार 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 आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा आपको पुल डाउन करेंगे, आपको ऐसा नहीं होने देना, ठीक है। आप अपने स्किल्स पे काम करिए, अपने आप को बेस्ट बनाइए, ठीक है। दुनिया का जो काम है वो कर रहे हैं, आपका जो काम है आप वो करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। कमेंट कर देना भर भर के, लाइक कर देना।